हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अब आप मेरे सारे वीडियो अनअकैडमी पे देख सकते हो, unacademy.com/user/harish474747 मेरी यूजर आई डी है। और दोस्तों, अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो से डिस्क्रिप्शन से आप लिंक ले सकते हो। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, इस वीडियो में अपन राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने के पूरे पूरे चांस है। जैसे कि राजस्थान में LDC, पटवारी, ग्राम सेवक और महिला सुपरवाइजर, सूचना सहायक, वन रक्षक आदि परीक्षाओं में पूछे जाने के पूरे पूरे चांस हैं। तो बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का प्रथम शाखा कब हुआ दोस्तों? 1301 में हुआ था, रणथंभौर में। उस समय अमीर देव वहाँ के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के महाराज प्रमुख दोस्तों, महाराज प्रमुख मानसिंह द्वितीय थे, जबकि राज प्रमुख भोपाल सिंह थे, ये उदयपुर के थे, जबकि मानसिंह द्वितीय जयपुर के थे। एकलिंग महात्म्य के लेखक दोस्तों महाराणा कुंभा थे। अजमेर के कछवाहा वंश के किस शासक ने 1775 में अलवर राज्य की स्थापना की थी दोस्तों? 1775 में प्रताप सिंह जी ने अलवर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर में प्रताप सिंह है। सातरवाड़ा क्या है दोस्तों? सातरवाड़ा मरणोपरांत की जाने वाले एक संस्कार है, जो मृत्यु के समय किया जाता है, मृत्यु हो जाती है उसके बाद एक परंपरा है। खातोली युद्ध किन किन के बीच हुआ दोस्तों? खातोली युद्ध 1517 ईस्वी में राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, खातोली का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब के साथ संघर्ष किया था दोस्तों? यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन उदय सिंह, प्रताप, राज सिंह और अमर सिंह। दोस्तों, उदय सिंह के बेटे का नाम प्रताप था, प्रताप के बेटे का नाम अमर सिंह था, और इस समय अकबर था। राज सिंह ही ऑप्शन है, जो कि औरंगजेब के साथ संघर्ष किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना के पीछे का दस्ता क्या कहलाता है? यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है दोस्तों, हरावल, चंदावल, पार्श्व या अग्र। दोस्तों, यहाँ पे चंदावल सही ऑप्शन होगा, पीछे का दस्ता, जबकि हरावल आगे का दस्ता होता है सेना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैली पर मुगल प्रभाव सर्वाधिक दिखाई देता है? चार ऑप्शन है दोस्तों, बूंदी शैली, मेवाड़ शैली, जयपुर शैली और मारवाड़ शैली। जयपुर शैली का सही आंसर है, जिस पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे पहले जो जयपुर के मानसिंह और मानसिंह के शासनकाल में सर्वाधिक मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था। मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ दोस्तों, रागमाला, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी, गीत गोविंद और महाभारत। इसका सही आंसर श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी होगा दोस्तों, जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ है। नेक्स्ट है, राजस्थान में खड़े गणेश की मूर्ति किस जिले में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है सिरोही, कोटा, करौली और बारां। कोटा इसका सही आंसर है दोस्तों, जबकि हैरम गणेश की मूर्ति बीकानेर में स्थित है और कोटा में विभीषण का मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गढ़ चिंतामणि दुर्ग का उपनाम। ऑप्शन है मेहरानगढ़, शेरगढ़, जूनागढ़ और लोहागढ़। यहाँ पर दोस्तों सही आंसर मेहरानगढ़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टकमण 28 चित्रकला के विकास हेतु किस जिले में कार्यरत है? दोस्तों, टकमण 28 उदयपुर जिले में, जयपुर जिले में, कोटा और जोधपुर। इसका सही आंसर दोस्तों उदयपुर जिला होगा, टकमण 28 उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, मोहनोत नैन सिंह, सूर्यमल मिश्रण या अबुल फजल। दोस्तों, इसका सही आंसर मोहनोत नैन सिंह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोथीगर अध्ययन केंद्र किस देश के सहयोग से खोला गया था दोस्तों? तो पोथीगर अध्ययन केंद्र जर्मनी, जापान, ब्रिटेन या अमेरिका। तो सही ऑप्शन इसका दोस्तों जापान होगा, जापान में खोला गया था।
नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पत्र कहाँ रखा गया है, चांदी का सबसे बड़ा पात्र है ये। ऑप्शन ए खेतड़ी सिटी पैलेस जयपुर, मेड़ता और सीकर। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन ने राजस्थान के एमसीक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अलविदा। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अलविदा।